ठीक है, तो यस्टरडे वी स्टार्टेड द थ्योरी दैट ईच सेंट्रल मेटल एटम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ वैलेंसी, वन इज बेटे प्राइमरी वैलेंसी एंड अदर वन इज सेकेंडरी वैलेंसी. Primary valency corresponds to the oxidation state or number, and the secondary valency corresponds to the coordination number. ठीक है, तो जो primary valency है आपका क्या बताता है, ये बताता है आपका oxidation number को correspond करता है और ये coordination number. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बेटे, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, आयंस बनते हैं इसके, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे आयनिक कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन नहीं होती वैसे इसकी भी डायरेक्शन नहीं होती, एंड इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब ये ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल कुछ अरेंजमेंट शो करती है. एग्जाम्पल के साथ आप जल्दी समझ जाओगे, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है बेटे ज्यादातर आयंस ही सेटिस्फाइड करते हैं, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयंस दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं, बोथ द वे इट कैन बी सेटिस्फाइड. ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसके कारण कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स की शेप नहीं आती, इसके कारण शेप आती है. जब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की या टेट्राहाइड्रल की या ऑक्टाहाइड्रल की, इसके कारण आती है. ठीक है, ये तो ये मेन इसके पोस्टुलेट मान लो, आप इस वे में इसको ध्यान में रखो. अब आपको मैं एग्जांपल दूंगी कि कैसे आप लर्न कर, मतलब ये एक्सप्लेन, आई शुड एक्सप्लेन यू कि हाउ दिस थ्योरी वर्क. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स बेटे, ठीक है, यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स, ओके, इन दिस कॉम्प्लेक्स दिस इज अमोनिया जो है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, या अमीन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, कोबाल्ट के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए. अब जो अमोनिया है बेटे कोबाल्ट के साथ जब लिंक्ड है तो ऑक्टाहाइड्रल शेप बना रहा है. ठीक है, इट इज फॉर्मिंग ऑक्टाहाइड्रल शेप. ठीक है, अब कोबाल्ट की इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव थ्री. अब पॉजिटिव थ्री को सेटिस्फाई करने के लिए हमने नेगेटिव थ्री क्लोरीन ऐड करनी, और ये जो वैलेंसी जो हमने बाहर ऐड करी है ये क्या है, ये होगी आपकी प्राइमरी. ठीक है बेटे, ये होगी प्राइमरी. अब ये क्या सेटिस्फाई कर रही है, ये सेटिस्फाई कर रही है ऑक्सीडेशन नंबर को, और ये क्या है, ये आयोनाइजेबल है. ये इसको अगर वाटर में डालोगे तो इसके आयंस बनेंगे. ठीक है, जो ये वाले हैं जो अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, और अगर इसको वाटर में डालोगे इसका आयन अलग नहीं होगा, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे. ओके, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे और ये स्पेस में अरेंज होंगे, स्पेशियल अरेंजमेंट होगी इनकी, तो ये ऑक्टाहाइड्रल बेटे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ऐसे, इट विल फॉर्म ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और ये होगी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक
है, दिस इज द सेकेंडरी वेलेंसी, और जो प्राइमरी वेलेंसी है वो आयोनाइजेबल है, तो हम डॉटेड से दिखा देते हैं, ठीक है। अब जो चीज प्राइमरी वेलेंसी को सेटिस्फाई करती है बेटे, वो सेकेंडरी वेलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकती है एट ए टाइम। वो कैसे? अगर मैं एक सीएल नेगेटिव अंदर ले आऊं, तो इसने क्या करना है बेटे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेटिस्फाई कर देना है, और इसने क्या करना है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेटिस्फाई कर देना है, ये सेकेंडरी वेलेंसी भी, तब हम एक अमोनिया कम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखो, ये अगर मैं एक NH3 5 amines ले लूं, और एक क्लोरीन ले लूं, और एक 2 chlorine बाहर है, तो अब ये क्या हुआ बेटे, इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का सेटिस्फाई हो गया। अब क्लोरीन चाहे अंदर है चाहे बाहर है, इसने कोबाल्ट की पॉजिटिव 3 को भी सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हमने टोटल -1 और -2 -3 दैट इज प्राइमरी वेलेंसी को भी सेटिस्फाई कर दिया। मगर अब इसको जब मैं वाटर में डालूंगी तो आई विल रिसीव ओनली 2 chloride आए, इसको वाटर में डालेंगे तो विल रिसीव 3 chloride आए, तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगी। मींस एक जो नेगेटिव आयन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वेलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेलेंसी को दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है। सेकेंडरी वेलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटे, प्राइमरी वेलेंसी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए, प्राइमरी वेलेंसी आयोनाइजेबल है, ठीक है। और एक नेगेटिव आयन जो लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सकता है और वेलेंसी भी सेटिस्फाई कर सकता है। इन द सेम वे अगर मैं एक और क्लोरीन अंदर ले आऊं, देखो, तो CONH3 मुझे अमीन ओनली 4 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितने सेटिस्फाई हुए, तो बेटे ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई हो गया, दैट इज सेकेंडरी वेलेंसी, और पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 के साथ फिर सेटिस्फाई हो गया। मगर जब इसको हम वाटर में ऐड डालेंगे तो हमें एक सीएल नेगेटिव मिलेगा, आयन कम होते जाएंगे। जब आयन कम होते जाते हैं ना बेटे, तो मोलर कंडक्टिविटी कम होती जाती है, तो इसके रिगार्डिंग याद रखना कि मोलर कंडक्टेंस उनकी ज्यादा होगी जिनकी प्राइमरी वेलेंसी ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पड़ी होगी। तो हमें पता चल जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, जैसे हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन द सेम वे मैं अगर एक और क्लोरीन इनसाइड ले आऊं, तो इसने क्या कर दिया, इसने प्राइमरी वेलेंसी भी सेटिस्फाई कर दी और सेकेंडरी भी कर दी, ठीक है, प्राइमरी भी कर दी और सेकेंडरी भी कर दी। अब इसको जब वाटर में डालोगे तो आपको सिर्फ ये ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा, इसमें से कोई भी आयोनाइजेबल नहीं होगा, समझ आई, ठीक है। अब कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, दे आर राइटिंग यू हैव कोबाल्ट सल्फेट क्लोराइड, दिस काइंड ऑफ थिंग यू आर हैविंग, ठीक है, सीएल एक ही है, सीएल 5 amines, ठीक है, एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म ए एंड बी, ए रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट, बी डजंट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, बट डजंट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, बी गिव वाइट पीपीटी विद बेरियम क्लोराइड बट डजंट रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, identify A and B and write the structure formula. Again I repeating, कहते जी ये जो चीज है ये 2 isomers की form में exist करती है, जो isomers हैं बेटे A and B, ठीक है,
नाउ ए रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, जो ए है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और आपको व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है। एंड डजंट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक। जो बी है गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड, जो बी है बेटे व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है बेरियम क्लोराइड के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये पूछ रहे हैं जी आप ए और बी का स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। अब हमें पता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा दैट विल बी आयोनाइजेबल, ठीक है। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक्ट कर सकते हैं ना, क्लोरीन तो AgCl बनाएगा, दिस विल गिव यू व्हाइट पीपीटी और नॉट, है ना। तो दिस विल गिव यू व्हाइट पीपीटी, ओके। सो लाइक इफ यू द स्ट्रक्चर कुड बी, ए का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कोबाल्ट सल्फेट इनसाइड हो, देन NH3B कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड हो, एंड आपका Cl इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है बेटे, Cl इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन द प्रोबेबिलिटी कैन बी इट विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट to give you AgCl, that is ionizable, that is a white in color, ठीक है, that is ionizable and that is white in color, okay, and बाकी complex आपका कैसे है, ऐसे रह जाएगा, got the point, so first isomer is giving white PPT with AgNO3. Why it is giving white PPT in AgNO3? Because Cl lie outside the coordination sphere. This is the primary valency and it can be ionizable. It can be ionizable. Okay? ठीक है? अब ये जो nitrate है, it will remain like this. This satisfied. In the same way, in the same way, the second part is that the B isomer react with barium chloride. अब barium chloride के साथ देखो Cl तो react करेगा ही नहीं, तो क्या react करेगा, sulfate. तो second isomer में second isomer CoCl NH3 pi SO4, okay, when it will react with barium chloride it will give you barium sulfate, okay, ठीक है। This barium sulfate has with a white PPT. So the structure of the first isomer will consist chloride outside, and the structure of second will consist of sulfate outside. Okay, bete, got the point? Yes or no? So give the, they are asking you give the IUPAC name of both the structure. Give the IUPAC name of the structure first. This one. Yes. Hurry up. So, bete, you will give the name of the ligand first. That is pentamine, chlorido, cobalt, and then it is a sulfate. And cobalt is in third oxidation state. That is pentamine, chlorido, cobalt, 3-sulfate. In the previous structure, sulfate was inside and chloride was outside. So, penta means sulfato, cobalt, third chloride. ठीक है? उसके अलावा, तो ऐसा same बेटे पूछा जाता है कि अगर आपको पूछा जाए कि conductivity ज़्यादा है,
तो आपने उतनी प्राइमरी वैलेंसी बाहर दिखा देनी होती है, उतनी प्राइमरी वैलेंसी बाहर दिखानी होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाउ आर दीज टू कांस्टेंट रिलेटेड। ये ऑल इंडिया 2011 सेट सी का क्वेश्चन है बेटे, ये हम इग्नोर कर देते हैं और मगर कभी कभी पूछा जाता है। What do you understand by, again I am repeating, what do you understand by stepwise stability constant and overall stability constant of a coordination compound and how they are, these constant are related? ठीक है, ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं बेटे, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये बनते हैं एक्वस सॉल्यूशन से। ठीक है, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हो और उसकी जगह पे लिगेंड्स लेके आते हो तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कॉपर का कॉम्प्लेक्स, आपने एग्जांपल से ही समझाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेके आओगे, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में इट इज कंसीडर्ड, ये कॉपर है तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है, ओके ठीक, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लगे हुए हैं। अब अगर ये एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, सल्फेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सल्फेट है, हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। अगर हमने कोई और कॉम्प्लेक्स बनाना है, अमीन का कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आपने इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दिया, तो यू विल गेट कॉपर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमोनिया सिक्स, ठीक है, ओके। तो ये जो रिएक्शन हुई है, दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुई है, ये इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। जो हम के निकालते हैं, के कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है बेटे, ये वाला, और रिएक्टेंट में आपने क्या लिया, ठीक है, तो रिएक्टेंट में आपने ये लिया, ओके। तो जो हमारा के है, दैट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो कुछ नहीं है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, फॉर ए इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रांजिशन मेटल आयन सराउंडेड बाय वाटर लिगेंड, ठीक, एंड the transition metal ions surrounded by the substituent ligands, ठीक है, these are the substituted ligands and these are the water ligands, तो K ये होता है, ठीक है, this is the overall stability constant। अब ये जो overall stability constant है, वो एकदम से तो आया नहीं है, कि एकदम से ही जो आपके six water six ammonia से replace हो गए, हर बारी एक एक water replace होता गया, ठीक है, पहले एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हुआ तो के आएगा, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस आएगा, फिर तीसरा वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा, ऐसे सिक्स वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होंगे, और हर टर्म जब वाटर मॉलिक्यूल बेटे रिप्लेस होंगे तो आपको के की वैल्यू आएगी। मैं अब जैसे एक की एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे यू हैव सीओ एन एच, सॉरी वाटर एंड फर्स्ट वन अमोनिया इज कमिंग एंड यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, ठीक है, तो ये के वन है, के वन कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू होगी, जब एक लिगेंड बेटे
एक ने वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रांजिशन मेटल आयन को सराउंड कर रहे थे, और ट्रांजिशन मेटल आयन को हमने ये वाटर मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट करवाए इस लिगेंड से। जब वन ने सब्स्टिट्यूट किया तो ये के वन आया, ऐसे सेकंड सब्स्टिट्यूट होगा वाटर मॉलिक्यूल तो के टू आ जाएगा, ऐसे थर्ड होगा तो के थ्री आ जाएगा। तो ओवरऑल ये के स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो इक्वल होगा के वन इंटू के टू इंटू के थ्री इंटू के फोर इंटू के फाइव इंटू के सिक्स, ठीक है, ओके। तो ये जो आया बेटे, दीज आर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, एंड ये जो के आया वो क्या है, दिस इज अ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, एंड हाउ दीज कांस्टेंट आर रिलेटेड। सो दीज कांस्टेंट आर रिलेटेड दिस, एंड व्हाट इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट व्हेन यू रिप्लेस ऑल द that water molecule which is around the central metal ion with the ligand when you will replace in a one go, hai na, that is a overall stability constant. And when you will be replacing step wise step each step of the process and you will getting a stability constant over there, that is called stability constant step wise. Okay, got the point? Yes, bete, you all are there. I don't know. Two thumbs up are there. Okay? Two, very nice. Baki so rahe hain. Where is the rest one? Only Tushar and Charanjot is listening. मोहक आदित्य, ठीक है। तो व्हाट इज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट आर नथिंग बेटे, दीज आर ओनली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर यू हैव डन क्लास प्लस वन के। सो के इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो दीज कांस्टेंट आर नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट only, ठीक है, when it is given for each step of the ligand substitution, when you will substitute the ligands in the each step, then it is called stepwise. And when the equilibrium is given for the overall reaction, overall the substitution, then it is known as overall stability constant, ठीक है, overall stability constant. Got the point? And what is the relationship between them? Overall stability constant is equal to the K1, K2, K3, K4, and you know it is a multiplication of all the steps and you will get the value. ठीक है बेटी जी, इसके we have done बेटे most of the question. Again to repeat one or two questions, आपको थोड़ी सी और practice करवा दें हम, ठीक है। देखो बेटे starting हमारा isomerism कह रही हूँ, starting हमारा बेटे nomenclature से हुआ था। देन नॉमेनक्लेचर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी वीबीटी आ जाती है, वीबीटी के बाद आपकी आ जाती है सीएफटी, और सीएफटी के बाद जो हमने आज किया वो, ठीक है। लेट मी टेक एग्जांपल एंड आई विल टेक योर टेस्ट कि कितना आपको नॉलेज है दोनों थ्योरीज की, ओके, ठीक है। अच्छा ये भी करते हैं, देखो सीओ वो कह रहे हैं जी सीओ कार्बन आयल ligand है is a stronger complexing reagent than ammonia. जो CO है ना बेटे वो ज्यादा complexing reagent है ammonia से, ठीक है। जो CO है ना उसके पास बेटे खासियत है वो sigma और pi bond दो बनाता है। Remember हमेशा ये synergic effect show करता है, पहले तो एक coordinate bond बना लेता है और फिर back bonding से metal से electron लेता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए ना कि व्हाई कार्बोनाइल इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड,
Your answer is it forms sigma and pi bond both. ठीक है, इट विल फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ, दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग. बाकी सारे लिगेंड्स ओनली वन बॉन्ड, ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज वन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. ये सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनाता है. सी ट्रिपल बॉन्ड ओ मेटल एटम को सिग्मा बॉन्ड बना के लेता भी है, और मेटल एटम से जो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है पाई बॉन्ड बना के. तो ये सिग्मा और पाई दोनों बनाता है. रिमेम्बर सी ओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगेन वर्णन थोड़ी सी बैठे. एक और है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी प्रेसिपिटेट व्हेन एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू अ मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस. सो योर क्वेश्चन इज ये आपको गिवन है. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी प्रेसिपिटेट विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस. अगर आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट एड कर दोगे तो आपको कितने मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिलेंगे, जल्दी बताओ. कितने आयोनाइजेबल क्लोराइड है उतने मोल्स आपको मिल जाएंगे. हरी अप, यस एनीवन. जितने बेटे क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दिख रहे हैं आपको उतने मोल्स आपको मिलेंगे, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो आयोनाइजेबल क्लोरीन है उसके साथ रिएक्ट करेगा. यस बेटे, द स्टूडेंट हु आर लिसनिंग, यस टू है ना. तो यू विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट विद टू मोल्स, यू विल बी गेटिंग दिस टू AgCl. ओके, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको टू मोल्स ऑफ, ये स्ट्रक्चर नहीं गिवन, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं गिवन, आपको सिर्फ ऐसे लिखा आ गया कि ऐसे करके फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट मी टेक दिस. अगर ये है, अगर ये कंपाउंड है और आपको एक AgCl मिल रहा है, एक मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यस टू, ठीक है चरण, जो टू टू कैसे आया, यू वांट टू आस्क. बेटे जितने क्लोरीन बाहर हैं वो आयोनाइजेबल है, वही रिएक्ट करेंगे. अंदर वाला क्लोरीन रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अंदर वाला नहीं करेगा. तो यू विल गेट टू AgCl. अच्छा, इस स्ट्रक्चर, अगर आपको ये स्ट्रक्चर मान लो एग्जाम में आ जाए, ठीक है, जो स्ट्रक्चर एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये एक मोल ऑफ AgCl दे रहा है, तो क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ये आया है अब आपको एग्जाम में और आपको बोल रहे हैं जी आपको एक मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए इसका? जब ये बोल रहे हैं ना बेटे एक मोल मिल रहा है, इसका मतलब क्लोरीन सिर्फ वन बाहर है, तो बाकी क्लोरीन इनसाइड है. तो एक क्लोरीन को आप बाहर दिखाओगे तो बाकी क्लोरीन सिर्फ इनसाइड है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस वे में दिखाओगे आप. ठीक है, समझ आइए. इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आते हैं. अलावा हाइब्रिडाइजेशन पे हमने कर लिए. अच्छा, आपको अगर कॉम्प्लेक्स का नेम लिखा हो और आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो बनाओ. यू हैव द नेम पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट. अरे अब पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड?
you are given potassium trioxalate third bracket में थ्री भी मेंशन है. हाँ जी क्या होगा बेटे हरी अब जल्दी. एनीवन दे लेफ्ट विद टू और थ्री मिनट जल्दी बोलो. तो पहले ना जैसे लिखा है वैसे लिखो. के बाहर है ठीक है. ट्राई ऑक्सलेटिव सी टू ओ फोर थ्री है एंड क्रोमियम. अच्छा इससे हमें ये नहीं पता चला कि पोटेशियम कितने हैं ठीक है. पोटेशियम कितने हैं ये भी तो लिखने हैं ना. पोटेशियम किसको बैलेंस कर रहे हैं बेटे. ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बैलेंस कर रहे हैं. तो के कितने हैं तुषार आपने भी नहीं लिखे. के वन ही है बताओ. ये शुड वन. आदित्य ने भी अकेला के लिखा. बताओ के वन होना चाहिए. नहीं बेटे. हाँ देखो बेटे क्रोमेट की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक है. ऐसे करते हैं क्रोमेट की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन फोर नहीं होंगे. क्रोमेट की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक ऑक्सलेट का चार्ज होता है माइनस टू. अगर एक ऑक्सलेट का चार्ज माइनस टू है तो थ्री का कितना हो गया माइनस सिक्स. माइनस सिक्स प्लस थ्री इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या चार्ज है माइनस थ्री. तो माइनस थ्री को बैलेंस करने के लिए थ्री पोटेशियम चाहिए क्योंकि हर एक पोटेशियम का चार्ज थ्री है. हाँ थ्री ठीक है. तो फॉर्मूला विल बी के थ्री देन क्रोमियम ब्रैकेट में और ये सब कुछ आएगा. तो आपने ये वाला चीज ध्यान से देखनी है जब इस तरह का क्वेश्चन आए ठीक है. कुछ इस तरह का दोबारा से कोई क्वेश्चन हो. चलो नेम मैं दे देती हूँ आप कॉम्प्लेक्स बनाओ. आई विल गिव यू द नेम देन. तो राइट डाउन द कॉम्प्लेक्स. हाँ टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम फोर क्लोराइड. यू हैव टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम फोर क्लोराइड. प्लेटिनम फोर है. अगेन आई रिपीटिंग टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम फोर क्लोराइड. ठीक है टेट्रा अमीन. टेट्रा अमीन जैसे जैसे लिखे मैं तो वैसे लिखती ठीक है. सो टेट्रा अमीन उसके बाद है डाई क्लोराइडो. डाई क्लोराइडो प्लेटिनम. प्लेटिनम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी हुई है फोर. क्लोराइड अब हमें पता करना है कि क्लोरीन कितने. बताओ ये क्लोरीन कितने होंगे. बाकी तुम कर ही लेंगे बेटे. नो फोर कैसे होंगे बेटे. अगर फोर होंगे तो एक्स प्लस जीरो माइनस टू माइनस फोर ये तो आपकी प्लस सिक्स आ जाएगी. टू यस ये टू होंगे. तभी तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्योंकि ये टू लगे हैं. अगर इसकी वैल्यू कितनी हो प्लस सिक्स हो तभी तो ये टू लगाओगे. सॉरी हाँ नहीं माइनस टू प्लस टू हो ठीक है. तो प्लेटिनम प्लस फोर में है इसका मतलब एक्स निकालनी है. माइनस टू पहले है माइनस टू और ऐड करोगे तभी तो प्लस फोर आएगी. तो ये माइनस टू किसके हैं. ये माइनस टू इसके हैं ठीक है. प्लस टू ओके. तो बोथ द वेज यू शुड नो.
very important, and tomorrow we'll start with next chapter aldehyde, ketones, and carboxylase.